यार जो भी कहो बट आई एम स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ पीरियड्स जी. आई मीन हैट्स ऑफ टू दैट कंपनी. पीरियड्स आर द वर्स्ट टाइम फॉर अ गर्ल एंड आई थिंक सारी कंपनीज को ये पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए. वैसे बात तो लग जाती है पीरियड्स में यार, बट पीरियड लीव कुछ ज़्यादा नहीं है. प्लीज़ आई एम श्योर अगर गाइज हैड पीरियड्स ना तो पक्का लीव मिल जाती. क्यों मैं? हाँ मैं बोलो, इट्स जस्ट अ डिस्कशन. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक पीरियड्स लीव थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. आई अग्री विद सुरभी. योर प्लीज़ आई एम श्योर यू डोंट नो हाउ पेनफुल दैट इज. प्लस नो पीरियड्स नो ओपिनियन. यार मिली तेरी भी तो मेड आती होगी ना, तो तू उसे कितनी लीव्स देती है? आई मीन वो ले लेती है जब उसे लीव्स चाहिए. आई मीन ये किस तरह का फेमिनिज्म हुआ? फेमिनिज्म सिर्फ हमारे जैसे MNCs में काम करने वाली लड़कियों के लिए थोड़े. अच्छा पीरियड्स लीव छोड़, तो उसे प्रॉपर मेडिकल लीव भी देती है क्या? यार हमारी तो डेस्क जॉब है पर तेरी मेड की तो नहीं है ना. तूने कभी ये सोचा है कि उसे भी पीरियड लीव की ज़रूरत पड़ती होगी? हाँ ऑफकोर्स. भैया कितना हुआ? 2-4-20 रुपये. आ गई महारानी? कहाँ थी इतनी देर? हाँ देख तू सुधर जा सुनीता. वो भाभी मैं वो क्या कर रही है? हाँ ये रोज रोज के बहाने नहीं चलेंगे. वो मैं डिस्पेंसरी गई थी दवाई लेने. तूने मुझे बेवकूफ समझा है? हाँ देख अब अगर तू लेट आई या तूने छुट्टी की तो मैं तेरी तनख्वाह काटूंगी. ओके चल जा काम कर. ठीक है भाभी. तू उसे कितनी लीव्स देती है? तू उसे प्रॉपर मेडिकल लीव भी देती है क्या? माँ क्या बात है? माँ व्हाई यू टॉकिंग टू मी लाइक दैट? चिल. देख मिली तू बीच में मत बोल, ये मेरी और उसके बीच की बात है. नहीं माँ आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तबीयत खराब हो गई थोड़ा लेट. शी इज नॉट अ स्लेव, बेसिक ह्यूमैनिटी. देख मिली तू चली जाती है ऑफिस, सारे घर का काम मुझे देखना होता है. दिस इज माई डिपार्टमेंट, लेट मी हैंडल इट माई वे. माँ आपको पता है मुझे साल में कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, वो भी पेड. मुझे नहीं मालूम और ना मैं जानना चाहती हूँ. और तू अपने MNC से ना मेरे घर को तो कंपेयर मत कर. एंड बाय द वे तुझे ऑफिस नहीं जाना आज? चलो गेट अप एंड गेट रेडी. माँ राइट्स आर राइट्स, चाहे MNC हो या घर. आपको पता है मुझे साल में 12 पर्सनल लीव्स मिलती हैं और 10 मेडिकल और सैटरडे संडे ऑफ अलग. क्या आपने कभी सोचा कि हमें सुनीता को भी ये छुट्टियाँ देनी चाहिए? कमाल है. अरे जब उसका मन करता है वो छुट्टी ले लेती है, और वैसे भी महीने में 2 छुट्टियां तो मैं उसे वैसे ही देती हूँ. ये तूने क्या लगा रखा है कितनी छुट्टी देते हो कितनी नहीं देते हो? हाँ और माँ 2 छुट्टी से वो 1 छुट्टी ज़्यादा ले ले तो आप उसके पैसे काट लेते हो. एक दिन लेट आ जाए तो आप पैसे काटने की धमकी दे देते हो. आप मुझे बताओ सुनीता ने लास्ट छुट्टी कब ली थी? अभी 2 हफ्ते पहले छुट्टी ली है इसने. और आपको लगता है कि महीने में 2 छुट्टियाँ काफ़ी होती हैं? माँ नो PF, नो बेनिफिट्स, नो इंश्योरेंस, उसके बाद भी वो हर रोज़ हमारे घर आके काम करती हैं, अपना घर समझकर. कोई फेस्टिवल होता है तो अपने घर से ज़्यादा तो हमारे घर पे होती हैं वो. एंड इसमें कंपनी और घर की बात कहाँ से आ गई माँ? हमें सुनीता को छुट्टी इसलिए देनी चाहिए बिकॉज दैट इज़ फेयर. और एक बात बताऊँ, ये मैंने आपसे ही सीखा है कि सही का साथ देना चाहिए, और मुझे लगता है दिस इज़ द राइट थिंग टू डू. We should practice what we preach. बात तो तू ठीक कह रही है मिली. चल तू इसकी छुट्टियों का हिसाब किताब बना दे. ओके बुलाती हूँ इसे. सुनीता आना बेटा. जी भाभी. तो सुनीता आज से आप महीने में 2 नहीं 4 छुट्टियां लेना, और 2 छुट्टियां एक्स्ट्रा अगर आपकी कभी तबीयत खराब हो या आपको कुछ काम हो तो. मिली दीदी वो कोई बात नहीं सुनीता, जैसा मिली कह रही है वैसा ही होगा, और मैं तेरे पैसे भी नहीं काटूंगी. लेकिन तुझे ठीक टाइम पर आना होगा और छुट्टी बता कर लेनी होगी. ओके ठीक. और जहाँ तक घर का काम है तो फिर मिली से करवाएंगे ना, मिली भी घर के काम सीख जाएगी. क्यों मिली? ठीक है. चल
क्या हम जो अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी करते हैं? Don't we all deserve a leave in need? आपको क्या लगता है, हमें पीरियड लीव मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? Let us know in the comment section. And please subscribe to Life Talk.